चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द आउटर सर्फेस बिकॉज। तो इसका सबसे अच्छा आंसर है देखो, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर, यानी वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर के क्यू कॉन्स्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के है, यानी आर अगर बड़ा होगा, लार्ज होगा, तो पोटेंशियल छोटा होगा, और आर अगर छोटा होगा तो पोटेंशियल बड़ा होगा। इसका यह मतलब है, अगर कोई स्फेयर है, कंसेंट्रिक स्फेयर है, तो ये ए स्फेयर है, ये बी स्फेयर है, तो ए का रेडियस छोटा है, बी का रेडियस बड़ा है स्फेयर का, तो इसका पोटेंशियल हाई होगा और एल का पोटेंशियल यानी ए का पोटेंशियल छोटा होगा। ठीक है, तो जितना छोटा स्फेयर होगा उसका पोटेंशियल उतना ही हाई होगा, और जितना ही बड़ा स्फेयर होगा उसका पोटेंशियल उतना लो होगा। तो अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए किसी वायर से, तो चार्ज अंदर से बाहर जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा चार्ज। ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ, इसीलिए चार्ज मूव करता है, क्योंकि अंदर वाले स्फेयर का, छोटे वाले स्फेयर का पोटेंशियल हाई होता है, और बाहर वाले बड़े रेडियस वाले स्फेयर का पोटेंशियल लो होता है, और जनरली चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बाकी मैक्सिमम तो नहीं हो सकता ना, टेंस टू मूव इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम में तो जाएगा नहीं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमेशा जाएगा जो है लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, तो ये जो ऑप्शन है ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।